अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शायमा अपने चैनल कुकिंग विद शायमा खान में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज बनाने जा रही हूँ अरवी के पत्तों की सब्ज़ी। बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। ये ऐसी रेसिपी है जिन्हें वेज में ही नॉन वेज का मज़ा मिलने वाला है, तो इसी रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और इसे बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और मेरी रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें अरवी के पत्ते चाहिए होंगे। इन्हें धोकर मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके रख लिया है। और इधर मैंने चने की दाल 5-6 घंटे भिगोई थी। इसे भिगोने के बाद मैंने इसको में डालकर अच्छी तरह से पीस लूँगी और बारीक सा इसका पेस्ट, अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। इसका पेस्ट, इस तरह से हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। और इसमें हमें कुछ मसाले डालने होंगे, कुछ पिसे मसाले डालेंगे। इसमें 1 चम्मच नमक मैंने डाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला, 1/2 चम्मच गर्म मसाला होममेड गर्म मसाला पाउडर डाला, 1 चम्मच मैंने प्याज का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन अदरक डाला। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से इसी दाल में हम जो हमने पीस के रखी है इसी में मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमारा पेस्ट जो है तो में भरने के लिए जो हमें फिलिंग चाहिए थी वो हमारी रेडी हो चुकी है। इधर हमने पत्तों को अपने ले लिया है और इसे धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब इनको हम किसी चीज़ पर रखकर, और हमें पत्तों को सीधे साइड से हमें इसे पेस्ट नहीं लगाना है, पत्तों को उल्टे साइड पर रख के और उसमें अच्छी तरह से पेस्ट लगा लेना है। उसके बाद हमने दूसरा पत्ता रखा और उसे भी उसमें पेस्ट लगा कर इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसे मैं रख लूँगी और इसी तरह हम अपने सारे पत्तों को भरकर और इसी तरह से हम फोल्ड कर कर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसमें पेस्ट लगाया और इसके ऊपर हम दूसरा पत्ता रखेंगे और इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे। यहाँ मैंने सारे अपने पत्तों को भरकर इस तरह रेडी कर लिया है। इधर मैंने सरसों का तेल गर्म होने के लिए कढ़ाई में रख दिया था फ्राई करने के लिए। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम अपने पत्तों को डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अलट पलट कर हम सेक लेंगे। जब हमारे पत्ते अच्छी तरह से क्रिस्पी से हो जाएंगे तब हम इन्हें अच्छी तरह से निकाल लेंगे। मैंने अपने सारे पत्तों को इस तरह से निकाल लिया। अब मसाले के लिए मैंने इसमें तेल डाला है, मैंने 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला है और इसमें मैंने मेथी दाना डाला है। जब मेथी दाना हमारा अच्छी तरह से गोल्डन हो गया है तो इसमें मैंने 1 कप मैंने इसमें प्याज का पेस्ट लिया है और इसमें 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 2 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब इसमें हम कुछ पिसे मसाले भी लेंगे। पिसे मसालों में मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 मैंने हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक और मिर्च ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इसको डालने के बाद इस थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिससे हमारा मसाला लगे नहीं, और इसे हम धीमी आंच में अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि हमारा मसाला तेल नहीं छोड़ देता, जब तक हम इसे भून लेना। यहाँ हमने जो पत्तों को तल कर रखे थे पकौड़े बनाकर, उसे इसे आप ऐसे भी खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं, पकौड़े पीस के बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से हमने इनको पीसेस में काट लिया, जितने बड़े पीसेस आपको चाहिए उस तरह से आप इन्हें पीस में काट लीजिए। इसके बाद हमारा मसाला इधर भून रहा है और इसे जब तक ये ऐसी इस तरह से ना भूनते हुए दानादार ना हो जाए ना, जब तक आपको इसको दानेदार होने तक भूनना है। हमने इसे पानी ऐड किया है, मैंने यहाँ पर इसमें पानी ऐड करने के बाद इसके चारों तरफ जो मसाला लगा हुआ है उसे अच्छी तरह से हम चारों तरफ से छुटाकर और उसके बाद मैंने इसमें अपने जो पीसेस काट कर रखे थे वो ऐड कर देंगे। इसमें पानी अभी आप थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। यहाँ पर मैंने इतने पत्तों में जितने मैंने पीसेस डाले हैं उसमें मैंने 3 ग्लास लिया था और ये बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी बनकर तैयार हुई थी। थोड़ा ज़्यादा लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन एक बॉयल होने के बाद आप जब इसको धीमा करके 10 मिनट पकाएंगे और फिर बंद कर दीजिए तो ये एकदम अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार होती। देखिए कितना डिलीशियस बनकर। इस रेसिपी को ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नई और इजी रेसिपी के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।